जय श्री राम। हमारे क्लास नाइन्थ के नए सत्र के प्यारे बच्चों, आपका मंथली सिलेबस डिवीजन आ चुका है। मींस यूपी बोर्ड के द्वारा आपका जो मंथली आपको कितना टारगेट दिया जाता है, कितने चैप्टर्स कवर करने होते हैं, और आपका हाफ ईयरली एग्जाम कब होगा, मंथली टेस्ट कब होगा, एमसीक्यूज का टेस्ट कब होगा, सारा कुछ आपका यूपी बोर्ड ने जारी कर दिए हुए हैं इस नए सत्र 2024-25 के लिए। यहाँ पर आप ऊपर देख सकते हैं मंथली सिलेबस डिवीजन 2024-25 इंग्लिश क्लास नाइन्थ। तो नाइन्थ के सभी प्यारे बच्चों के लिए एक खुशखबरी है कि आपका पूरा सिलेबस जारी किया जा चुका है कि किस तरह से आपको कितने महीने में आपको सारी चीजें कैसे कवर करना है, हाफ ईयरली एग्जाम कब होगा, वार्षिक एग्जाम आपका कब होगा, और कितने चैप्टर्स किस महीने में पढ़ने हैं, सारी चीजें जारी की हुई हैं। तो इस पे चलने से पहले जो भी प्यारे बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, और क्लास नाइन्थ के सभी प्यारे बच्चों में वीडियो को शेयर कर दें। तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं अप्रैल महीने का, अभी आपका अप्रैल महीना शुरू हो चुका है ना, तो अब आप लोग एट्थ में नहीं हो, नाइन्थ में आ गए हैं ना, तो अब देखिए अप्रैल महीने में आपको इंग्लिश में क्या क्या चीजें पढ़नी है। तो लिटरेचर में देखिए आपका दी हुए हैं, द रोड नॉट टेकन पढ़ना है, दी फन दी हेड पढ़ना है, विंड पढ़ना है, ये तीन चैप्टर आपके लिटरेचर में पढ़ने हैं। बाकी ग्रामर में आर्टिकल आपको पढ़ने हैं, पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ने हैं, दी सेंटेंस टाइप पढ़ना है, और पार्ट पढ़ना है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं अप्रैल महीने में आपको तीन चैप्टर कवर करना है और तीन टॉपिक आपका ग्रामर का कवर करना है। यहां पर आप आगे देख सकते हैं नंबर ऑफ लेसंस एंड टॉपिक्स, ठीक है। अब आगे देख लीजिए मई में आपको कवर करने हैं, मई में देखिए लिटरेचर में आपको कवर करना है, दी लास्ट चाइल्ड पढ़ना है, दी साउंड ऑफ म्यूजिक पढ़ना है, दी साउंड ऑफ म्यूजिक के दोनों पार्ट पढ़ने हैं, पार्ट वन पार्ट टू, और जो है तीसरा चैप्टर है रेन ऑन दी रूफ, और उसके बाद ग्रामर में पढ़ना है, टेंस आपको पढ़ना है। अब यहाँ पर टॉपिक वाले में देखिए दी हुए तीन लेसन, मीन्स थ्री लेसन्स, वन ग्रामर रिलेटेड टॉपिक। तो ये आपका मई का हो गया, और मंथली टेस्ट भी आपका मई में होगा, एमसीक्यूज बेस्ड आपका मंथली टेस्ट होगा, वो आपका मई में होगा। अप्रैल में कोई टेस्ट नहीं होगा, लेकिन मई में आपका जो है मंथली टेस्ट भी होगा, तो आप लोग उसके लिए भी तैयार रहेंगे। और जून आपका समर वैकेशन होता है, तो देखिए यहाँ पर जून में आपका दी हुई है समर वैकेशन रहेगा। उसके बाद जुलाई में आ जाइए, अब जुलाई में देखिए लिटरेचर में आपको चार चैप्टर पढ़ने हैं, चार चैप्टर कौन कौन से पढ़ने हैं, द लिटिल गर्ल, द लेक आयल ऑफ इनिस्फ्री, अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, एडवेंचर्स ऑफ टोटो, ये चार चैप्टर आपके लिटरेचर पढ़ने हैं। ग्रामर में आपको वॉइस एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ना है, और उसके बाद मंथली टेस्ट आपका डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन का मंथली टेस्ट आपका जो है जुलाई में होगा। अभी ऊपर आपका जो है मई में आपने देखा एमसीक्यूज वाला वो टेस्ट था, अब आपका जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आंसर जिसमें आपको लिखना होता है उसका टेस्ट आपको जुलाई में देखने को मिलेगा। और जुलाई में आपको टोटल चार चैप्टर आपका लिटरेचर में कवर करना है, एक आपकी ग्रामर की टॉपिक कवर करना है। अगस्त में देखिए आपका दिए हुए हैं, रीडिंग सेक्शन में देखिए दिए हुए हैं कॉम्प्रिहेंशन आपको कवर करना है, और राइटिंग सेक्शन में आपको एसे कवर करना है, पैराग्राफ करना है, रिपोर्ट करना है, और लेटर आपको सीखना है। तो ये सारी चीज़ें आपको राइटिंग सेक्शन में सीखना है, और लिटरेचर में आपको दी स्नेक एंड दी मिरर आपको पढ़ना है, और ईश्वरन दी स्टोरी टेलर पढ़ना है, और फर्स्ट इंटरनल असेसमेंट आपका यही जो है अगस्त में ही होगा। और अगस्त में टोटल आपको दो लेसन लिटरेचर से पढ़ने हैं, एक रीडिंग रिलेटेड टॉपिक है, और दो राइटिंग रिलेटेड टॉपिक है। तो इस तरह से आपको अगस्त में इतने चैप्टर्स और इतनी सारी चीज़ें कवर करना है। और सितंबर में देखिए आपका दिए हुए हैं ग्रामर में आपका नरेशन और ट्रांसलेशन पढ़ना है, और लिटरेचर में आपका अ लीजेंड ऑफ नॉर्थलैंड पढ़ना है, दी माई चाइल्डहुड पढ़ना है, इन दी किंगडम ऑफ फूल्स पढ़ना है, और नो मेन और फॉरेन पढ़ना है। तो इस तरह से आपको इतने चैप्टर में चार चैप्टर पढ़ने हैं, दो ग्रामर रिलेटेड टॉपिक आपका सेप्टेम्बर में पढ़ने हैं। अब आ जाता है अक्टूबर में, अक्टूबर में आपका देखिए इसमें दिए हुए हैं लिटरेचर में आपको दी हैप्पी प्रिंस पढ़ना है, रीच फॉर दी टॉप फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट दोनों पढ़ना है, विदरिंग दी स्टॉर्म इन इरास्मा इसे भी पढ़ना है, मतलब तीन चैप्टर आपको पढ़ने हैं। और आपका अक्टूबर माह में ही हाफ ईयरली एग्जाम होगा, नीचे आप देख सकते हैं अक्टूबर में देखिए नीचे दिए हुए हैं हाफ ईयरली एग्जामिनेशन दिए हुए हैं, तो मतलब आपका हाफ ईयरली एग्जामिनेशन जो है अक्टूबर में ही होगा, मतलब हाफ ईयरली अर्धवार्षिक परीक्षा, ठीक है। नवंबर में आप आ जाइए, नवंबर में रीडिंग सेक्शन देखिए दिए हुए हैं, कॉम्प्रिहेंशन आपको पढ़ना है, लिटरेचर में आपको द लास्ट लीफ ऑन किलिंग अ ट्री पढ़ना है, अ हाउस इज नॉट अ होम पढ़ना है, ये लिटरेचर हो गया। राइटिंग सेक्शन में आपको लेटर और अप्लीकेशन पढ़ना है, ग्रामर में आपको पंचुएशन, स्पेलिंग, ट्रांसलेशन ये सारी चीज़ें पढ़नी है।
और आपका मंथली टेस्ट एमसीक्यूज बेस आपका नवंबर में, एमसीक्यूज बेस आपका मंथली टेस्ट होगा। दिसंबर में देखिए आपका दिव्य है, दिसंबर में यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आपका लिटरेचर में काठमांडू पढ़ना है, स्लम्बर डिड माई स्पीट सील पढ़ना है, इफ आई वर यू पढ़ना है। तो इस तरह से लिटरेचर में आपको 3 चैप्टर पढ़ने हैं, राइटिंग सेक्शन में आपको इसे पढ़ना है, डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ पढ़ना है, रिपोर्ट पढ़ना है, आर्टिकल पढ़ना है, ये सारी चीजें पढ़ना है। और सेकंड आपका इंटरनल असेसमेंट आपका जो है दिसंबर में होगा, यहाँ पर देखिए दिए हुए सेकंड इंटरनल असेसमेंट मंथली टेस्ट और डिस्क्रिप्टिव बेस्ड क्वेश्चन आपका मंथली टेस्ट दिसंबर में देखने को मिलेगा। और जनवरी में आ जाइए, जनवरी में आपको लिटरेचर ऑल सेक्शंस से आपका जो है रिवीजन करना है और दी बेगर एक चैप्टर है उसे आपको पढ़ना होगा, जनवरी माह में एक चैप्टर और बाकी सभी का रिवीजन आपको करना होगा। और जनवरी में ही आपका एनुअल एग्जामिनेशन होगा, यहाँ पर आप आगे देख सकते हैं एनुअल एग्जामिनेशन आपका जनवरी में होगा, मीन्स वार्षिक परीक्षा आपकी जनवरी में हो जाएगी। जनवरी में आप क्लास 9th से पार हो जाएंगे और क्लास 10th में पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। फरवरी में आपका इवेलुएशन होगा, मीन्स कॉपी चेक होगी, और मार्च में आपका रिपोर्ट कार्ड मिल जाएगा, मीन्स आप कितना नंबर पाए हैं नहीं पाए हैं सारी चीजें मार्च में आपको मिल जाएंगी। तो भैया ये हो गया क्लास 9th का पूरा आपका जो है जो यूपी बोर्ड ने जारी किए हुए हैं कि किस तरह से आपको कौन कौन से चैप्टर्स जो है आपको किस महीने पढ़ने हैं, सभी चीजें हमने आपको डिटेल से बता दिए हुए हैं। और आपकी कोई पेड क्लास नहीं चलती है, YouTube पर ही आपको आपके चैप्टर से रिलेटेड क्लास आपको देखने को मिलेगी। तो आप लोग क्लास 9th के सभी बच्चे तैयार रहेंगे अच्छे से तैयारी के लिए, और आप लोग अभी से अपनी ईमानदारी से मेहनत शुरू कर दें, क्योंकि शुरुआत से ही आप मेहनत करेंगे तभी आप क्लास 10th और 12th की बोर्ड परीक्षा में अच्छे मार्क्स पा सकेंगे। तो इसलिए पूरी ईमानदारी से अभी से एकदम बेहतरीन ढंग से मेहनत करना शुरू कर दें। और इन्हीं उम्मीदों के साथ सेशन की अब समाप्ति करेंगे, और अब मिलते हैं आपके जो है किसी चैप्टर के साथ मिलते हैं जो आपका किताब है, किताब के किसी चैप्टर के साथ मिलते हैं। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।